So we are here for a brief talk on how to prepare HCS, the sociology from HCS means. Now first of all, let us see a few things which must be remembered while preparing this exam. देखिए पहला तो उसमें यह है कि इन टोटल सेवन क्वेश्चन आर आस्क्ड, राइट? सेवन क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी, ठीक? एंड सेकंडली सी अर्लियर फर्स्ट नंबर वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी, देन देयर आर टू थ्री फोर वन सेट एंड फाइव सिक्स सेवन, दैट इज सेकंड सेट, राइट? Now you have to attempt in total 5 questions. One is compulsory. You select at least 2 from this part and at least 2 from this part. So you have a choice of 1 question. Right? Now 2009 or 2011 trend ye tha ki they used to ask single question in this category, in these questions. Ek hi question hoga. Theek hai 30 number ka. Ye bhi 30 number ka. Ye 30. Matlab 30 par jaye 150. Done. But in 2014, they have changed and every question is now having two parts, A and B. 10-15 marks. Now this makes the task easier also and difficult also. How easier? No, not probability count, because in 30 marks you have to write along. घंटे तीन ही दे रहे हैं आपको, तो 30 नंबर का अगर क्वेश्चन एक आता है तो आप रफली लगा के चलिए कि आपको उसमें 500-600-700 वर्ड तो लिखने हैं, तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा उस टॉपिक में, व्हाट माय पॉइंट, तो पढ़ना पूरी तरह डीप में पड़ेगा. लेकिन इन द सेम कैटेगरी आपके क्वेश्चन 15 मार्क्स, देन हाउ मच वर्ड्स यू राइट, 300-350-300 वर्ड लिखने हैं, तो उतनी डेप्थ कम चाहिए. क्वेश्चन वही है, लेट मी गिव एन एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल. 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, डिस्टिंग्विश बिटवीन डुर्खिम्स एंड वेबर्स व्यूज ऑन रिलीजन. अब मुझे इसमें 300 वर्ड लिखने हैं, कुछ भी नहीं है. 2011 में क्वेश्चन आया, क्रिटिकली इवेलुएट मार्क्स कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. बात वही है, वो भी एक टॉपिक है, रादर वो दो टॉपिक हैं, डुर्खिम्स रिलीजन एंड वेबर्स रिलीजन. यहाँ पे एक है मार्क्स थ्योरी ऑफ, और 30 नंबर का ही है. मतलब अगर 600-700 वर्ड मुझे इस क्वेश्चन में लिखने हैं, सोचो, और कहां मुझे वहां पे सिर्फ 300 वर्ड लिखना. नाउ दैट मेक्स माय टास्क इजी. नाउ हाउ इट मेक्स डिफिकल्ट, इट मेक्स डिफिकल्ट बिकॉज देन यू हैव टू कवर मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स. आपको छोटे छोटे ज्यादा क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन वही है. But on the whole, if I say, then it makes my task easier. Because then, अगर 300 के वर्ड लिखने हैं, तो I have my certain level of creativity also. मैं कुछ भी बीच में डाल सकता हूँ कि ठीक है, मुझे 100-150 वर्ड पता है, सॉन्ग बना लिए, अपने आप लिख दिया. हमने आपको ये कैपेबिलिटी दे दी. लेकिन अगर 30 नंबर का है और पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है, तो उसमें कितना बना लोगे? 600 नंबर का यार बनाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी तो राइट. सो व्हाइल आई विल बी टेकिंग दिस सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, माई देयर विल बी टू टास्क. पहला टास्क तो ये होगा कि ठीक है, आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिए जाए कि आप पेपर में सेफ हो, बिकॉज वी हैव कंसिडरेबल चॉइसेस ऑल्सो. एक क्वेश्चन की चॉइस तो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना? तो मेरे पास कंसिडरेबल स्ट्रेटजी है कि मैं आपको सेव कर सकता हूँ पेपर वन में भी और पेपर टू में, बाई डिवाइडिंग द होल चैप्टर्स इनटू 3 टाइप्स. By dividing a chapter into 3 types. ये हो गए most important chapters, जिसमें से आपका 70% पेपर आने वाला है. ये मैं कहता हूँ 10 है टोटल पूरे सिलेबस में. और एक medium chapters है, जिसमें से 25% डालना है आपका, सपोज या 20% डालना है. ये आपके हैं करीब 8, रेस्ट आपके लिस्ट ऊपर. अब ये हमारी एक्सपर्टाइज है कि मुझे आपको सेव भी करना है, एट द सेम टाइम इतनी कैपेबिलिटी देनी है कि आपको अगर नहीं भी आता तब भी आप लिख के आओगे.
बिकॉज दैट इज वॉट आई कैन डू इन 15 to 20 days ओनली. जो मेरे पास 20 दिन का टाइम है, 20 लेक्चर्स हैं मेरे पास अगर, तो मैं इन 20 लेक्चर्स में इतना ही मैक्सिमम कर सकता हूँ. राइट, इफ आई सी द सिलेबस, सिलेबस आपका 3.5 पेज का है, मेरे 3.5 पेज बन गए. ठीक है ना, टेक्निकली अगर मुझे कराना हो ना यूपीएससी लेवल का, जो थिंकर्स का जो चौथा चैप्टर है ना आपका, उसी को 20 दिन लगते हैं, एक चैप्टर को 20 दिन लगते हैं. तो डेफिनेटली पर यहां पे हमें करना है फ्रॉम एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू कि कितना लेवल. राइट, सो आवर स्ट्रेटजी विल बी, देखो जी व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन. नंबर 1, सी आई विल बी डिस्कसिंग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स इन द क्लास. No vague things. There will be two things: dictation plus discussion. मतलब dictation होगा पूरा, आप question, अगर suppose पहला topic है आपका sociology से discipline, उसमें question है sociology या science, ये आम आ जाता है question, whether sociology या science or not. ठीक है ना, अब हमने question को सीधा answer करना whether sociology या science or not. लेकिन यही question अगर है, इसी question के 4 question बन सकते हैं अगर मैं different angle से देखूँ. मैं वो 4 एंगल नहीं ले रहा, मैं सीधा पिट कर रहा हूँ जो जो एचएस में आना है क्वेश्चन. सोशियोलॉजी साइंस पूछने को उसके 50 तरीके हो सकते हैं, पूछने के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हो सकते हैं. जैसे 1857 रिवोल्ट है, अब क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द कॉजेस, नेचर ऑफ द रिवोल्ट आ जाए, आफ्टर मैथ ऑफ व्हाट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी या ब्रिटिश पॉलिसी आफ्टर इट. अभी तो सीधे क्वेश्चन होंगे ना एचएस में, यही सीधा लेवल आता है या आप तैयार कर सकते हो. अब 1857 रिवोल्ट पे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बेस्ड इंटरलिंक करके, फलाना ढिमाका ये वो. और मैं क्रिटिकल एग्जामिन द रोल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द 1857 रिपोर्ट करो, जो कर उसी तरह से हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा आई टेंड टू बी ब्रॉडर इन नेचर. तो सोशियोलॉजी और साइंस है तो क्वेश्चन पेपर में एक्सेस में ये आएगा, डिस्कस वेदर सोशियोलॉजी और साइंस और नॉट, उसी के रिवॉल्व करेगा. सोशियोलॉजी साइंस, सोशियोलॉजी इज अ साइंस क्रिटिकल एग्जाम, बात वही है, ये एक्सपीरियंस है. बात ये नहीं है कि हमें अच्छा करना है, बुरा करना है, कितना करना है, बात है कि 20 दिन के अंदर क्या पॉसिबल है. और मेरा टास्क है कि 150 नंबर से आपके 100+ आए. आपको भी यही लेना ना, आपको सिलेबस तो नहीं करना. नंबर 2, होल सिलेबस विल नॉट बी कवर्ड, ओनली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ये मैं लिखवा रहा हूं आपको, किसी भी सब्जेक्ट में ये यहां पे एप्लीकेबल है. मतलब कोई भी बच्चा सिलेबस लेके टीचर के पास ना जाए, क्योंकि ये सिलेबस किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है करना का, ना ही एडवाइस. Only selected questions. You have to rely on our experience. सर आप एक क्वेश्चन उसके आंसर पे लिखवाओगे? बिल्कुल समझाऊंगा, लिखवाएंगे सारे स्टेट्स में यही होना है. बिल्कुल नोट्स बनवा देने क्लास में, आपने घर जाके वही करना है, या जो हम क्लास में कागज देंगे वही पढ़ने घर जाके. नो बुक हैज टू बी रेड, कोई किताब को हाथ नहीं लगाना आपने. अपना दूसरा सब्जेक्ट करो, इंग्लिश करो, हिंदी करो, जीएस करो. मतलब आपने दूसरी किताबें उठाई नहीं और आप मरेंगे, ये बात समझ लो क्लियर. प्रोहिबिटेड है, और मेरे पास कोई किताब उठा के लाए ना, मेरा कमरा तो बड़ा भरा किताबों से, मैं 10 और पकड़ा दूंगा ले जाते. ठीक है, तो कोई किताब विद्याभूषण सचदेवा एनसीईआरटी फलाना ढिमाका कुछ नहीं. क्योंकि वो सोसाइटी इंडिया की किताब आती है, राम मूजा की प्लाना की आती है, धमाका की आती है, उसने लिख दिया, उसने लिख दिया, नथिंग नॉट रिक्वायर्ड. आप अपने करने का बहुत कुछ है. सो वी विल डू सिलेक्टेड क्वेश्चंस, राइट. एंड थर्ड थिंग इज वी विल बी फॉलोइंग अगेन ट्विन मेथड. कि जैसे क्वेश्चन 2 मैंने क्लास में कराए, एक क्वेश्चन में आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे सकता हूं, बना बनाया घर जाके इसको पढ़ना. ट्विन मेथड है कि डिक्टेशन ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस प्लस जो लगता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है और इसमें है क्वेश्चन समझाने वाला,
वो हम आपको रिटर्न फॉर्म में दे सकते हैं। यार इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये ले आंसर बना हुआ है, घर जाकर तुम्हें पढ़ लेना, कोई डाउट होता अगले दिन पूछना, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो डबल मैथ स्ट्रेटजी चलेगी इसमें। नंबर फोर, नो आई विल बी टेकिंग फोर टेस्ट्स, चार टेस्ट में आपके प्राइमरी लूंगा, चार टेस्ट, पेपर वन के दो टेस्ट, पेपर टू के दो टेस्ट, जस्ट टू चेक योर आंसर राइटिंग स्किल, कि आप क्या एक्सेस पॉइंट टू से लिख रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो पेपर आएगा या जो और जो वैल्यूएशन जिस तरह से होनी है, वेदर यू आर एबल टू राइट इन दैट मैनर, तो आपको अपना काम डेली के डेली बेसिस पे करना है, राइट? इन द एंड इफ द टाइम परमिट्स देन वी कैन हैव अ कंप्लीट टेस्ट ऑल्सो, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपके ना भी दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम का कोई लोचा नहीं है यहाँ रहना, है ना, टाइम की कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई वर्क टाइम प्रेशर नहीं है, तो आप तो टाइम कम है इसलिए हम कह रहे हैं, अदरवाइज तो पूरा टेस्ट एक देना बनता है, पीसीएस का हमने कंप्लीट पूरे मॉक ही पीसीएस कराया था पूरा, तो बड़ा फायदा हुआ उसका, लेकिन अभी तो टाइम भी अगर ये इन्होंने जून जुलाई फर्स्ट वीक में करा दिया फिर तो टाइम, ठीक है, क्या लिखा लास्ट टेस्ट, देन सम नोट्स विल बी गिवन, कुछ नोट्स जो आपको स्पेसिफिकली फ्रॉम एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू दैट विल बी, ठीक है ना, बाकी इट्स अ सिंपल सब्जेक्ट, इसमें लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, यू कैन राइट ऑन योर ओन, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया सोशो कल्चरल फैक्टर्स डिटरमिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, अब डेफिनेटली इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, हम क्लास में कराते हैं कि व्हाट आर द वेरियस सोशल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्क कल्चर की हैबिट है बंदे की, कास्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है, ज्वाइंट फैमिलीज, है ना, अब ज्वाइंट फैमिली का जहाँ ज़्यादा रिवाज होगा वहाँ पे पीपल विल बी लेस मोबाइल, उतने लोग इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे, अपने घरों में घुस के रहेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर होगी, द फैक्टर विच ऑपरेटेड इन इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब ऐसे क्वेश्चन पे देयर इज लॉट ऑफ स्कोप कि आप अपने आप भी लिख पाओ, इसी तरह से आप पेपर टू में लिखो, वट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, डिस्क्राइब द वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ वुमेन एंड देयर इम्पैक्ट, क्या है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन सोसाइटी, अब हम ही आपको बताएंगे कि ऐसे अगर जनरल क्वेश्चन आता है इसको सोशियोलॉजिकल कैसे बनाना है, ना आम बंदा कुछ भी लिख देगा, प्रॉब्लम क्या है जी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये है वो है ना, अब हमें पता है कि सोशियोलॉजी का अगर कोई टीचर चाहे कॉलेज लेवल का टीचर चेक करेगा वो किस तरह का क्लासिफिकेशन देखना चाहेगा, इसमें पूछा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, तो किस लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं इंडियन सोसाइटी वुमेन की, है? अब इसका टेक्निकल एक टेक्निकल इसका एक तरीका है इसको आंसर करने, जो आपका आंसर सोशियोलॉजिकल बनाएगा, confined to home and there are taboos related to women's mobility going out. अब जल्दी देखो आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो वुमेन की, प्रॉब्लम विद इन द हाउसहोल्ड, प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस एंड प्रॉब्लम इन वाइडर सोसाइटी, एक ये क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड सोशियोलॉजी में मानी जाती है, कि अगर आप ये क्लासिफिकेशन देते हो तो सोशियोलॉजी का जो टीचर है वो उसको कहेगा हाँ बढ़िया, या प्रॉब्लम एट द माइक्रो लेवल, प्रॉब्लम एट द मैक्रो लेवल, समझे बात, और आगे अगर मैं यूपीएससी लेवल पे चला जाऊँ मैं कहूँगा प्रॉब्लम एट कल्चरल लेवल, प्रॉब्लम एट स्ट्रक्चरल लेवल, अब ये जो कल्चरल स्ट्रक्चरल का ये अच्छे से जो बंदा चेक कर रहा है उसको समझ नहीं आ रही कि क्या है, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा बेचारा, तो ऐसे हमें डिमार्केट करना पड़ता है कि एक्सेस में कौन सी क्लासिफिकेशन सेट बैठे, अब यही चीज़ आपने जनरल स्टडीज में करनी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स,
लेकिन हॉस्टल में नहीं रुक सकते ये. गॉट द पॉइंट? बस यही फर्क होता है जहां पे दो तीन नंबरों का फर्क पड़ता है. इतनी सी बात है छोटी सी. अब आम जिसने नहीं ढंग से पढ़ा वो इकोनॉमिक सोशल करके आएगा, उसके वही जो सोशोलॉजी का प्रोफेसर है वो थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है कि यार ये क्यों इकोनॉमिक सोशल थोड़ी बोली, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू व्हेन वी टॉक ऑफ ऑप्शनल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट कि ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक है या सोशल है. कि पॉवर्टी इज इट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इज इट अ सोशल प्रॉब्लम और इज इट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम. अब जो इकोनॉमिक कॉज आप दोगे उसको वो सोशल भी है. जनरली हम ऑप्शनल के अंदर हम रिफ्रेन करते हैं कि एक जो क्लासिफिकेशन होता है वे ऑफ आंसरिंग हैज टू बी स्पेसिफिक व्हिच इज रिक्वायर्ड इन दैट ऑप्शन. जब भी इश्यूज की बात आती है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ज्यादातर क्वेश्चन सोशियोलॉजी में आपके सिलेबस में टॉपिक सा दिया हुआ है. तो सोशियोलॉजी में जब आप आंसर कर रहे हैं तो डिफरेंट भी करेंगे नंबर से जो आपका नंबर है, ठीक है ना. तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल क्योंकि पेपर वन है अगर आपका, तो पेपर वन के अंदर आपका फर्स्ट थ्री चैप्टर्स हैं ये है व्हाट इज सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के तीन चैप्टर्स, व्हाट व्हाई एंड हाउ. सोशियोलॉजी क्या पढ़ती है, क्यों पढ़ती है और कैसे पढ़ती है, ठीक है. तीन चैप्टर्स हैं और तीन ये टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं. अब इन तीन चैप्टर्स में अगर आपने कर लिया टोटल 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इसके, अगर आपने फुल प्रूफ काम करना है बिल्कुल ही. अब अगर हम इसको देखें तो इस चैप्टर में से तीनों चैप्टर में से मैं 2014 का क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ. ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस ये क्वेश्चन आया हुआ है 7.5 नंबर का, इमरजेंस ऑफ सोशल 7.5 नंबर का आया हुआ है. देन डिस्कस द मेरिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये 15 नंबर का आया हुआ है. बस तो मतलब आप ये 30 नंबर का प्रश्न से आया है. ठीक. अच्छा अब मैं चौथा चैप्टर देखूं थिंकर्स का, आपके सिलेबस में 5 थिंकर्स है, ठीक है. इन थिंकर्स में से आप लगा के चलो कि 30 से 60 नंबर का पेपर तो आ ही जाता है घुमा फिरा 150 में से. तो क्या हो गया, अगर ये चार चैप्टर आप कर लेते हो तो 60 से 90 नंबर तो सिर्फ कितने चैप्टर, 4 चैप्टर. मेरी बात समझ आ रही है, ये चक्कर क्या है, ये गेम क्या है. अगर आप ये 4 चैप्टर कर लिया तो आपके 60 से 90 नंबर का पेपर आ गया. अब बाकी चैप्टरों में से अगर मैं स्ट्रेटजी लगाऊं तो मैं आराम से 3-4 क्वेश्चनों कन्वर्ट करा सकता. तो मतलब मेरा काम है कि आप अगर मेहनती हो, आपने पहले पढ़ रखा है, तो यू कैन टारगेट 150 out of 150 कि टोटल आप अटेम्प्ट कर लेगा. अदरवाइज 130 और 135 का अटेम्प्ट तो आपको हम करवा ही नहीं. 135 से 150 तक का अटेम्प्ट है आपका, अच्छा अटेम्प्ट कर तो सारे आओगे क्वेश्चन आओ, ऐसा नहीं उस तक आप खाली छोड़ के आओगे, खाली क्वेश्चन छोड़ के आओगे. लेकिन अच्छा अटेम्प्ट जो आपने तैयार किया हुआ है आंसर 135 से 150 नंबर का अटेम्प्ट होगा. एंड 135 का अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट कर दिया तो स्टेट लेवल पर 105-110 नंबर आ जाए, 100+ का टारगेट आपके लिए, ठीक है. आप में से किसने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है पहले, यूपीएससी के लिए कर रखी है तैयार, आपने पूरी करी हुई है ना, पूरी करी पहले के 17 में करी थी नहीं, साथ में यूपीएससी का जो सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है और वे ऑफ राइटिंग इज आल्सो डिफरेंट. जैसे आप यहाँ लिखोगे वो थोड़ा सा डिफरेंटली लिखना है आपको. आपने पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत पहले, तो कभी नहीं पढ़ी हुई ये है. आपने वो उसको पूछना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं होता. हमें तो 150 में से 100-110 ही लेने हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. 130 भी आ चुके हैं मेरे स्कूल. कोई भी मर्जी
सोशियोलॉजी के साथ कोई भी आप सोशियोलॉजी हिस्ट्री सोशियोलॉजी पब्लिक एड सोशियोलॉजी कोर्स है करी हुई आप जनरल स्टडी के लिए ना मैं इसलिए सोचता हूँ नॉट बिकॉज कि आप कर नहीं सकते बिकॉज टाइम कम कि मुझे जुलाई फर्स्ट वीक अगर पेपर देना है तब नहीं मैं बंगाल लूँगा क्योंकि रिस्की बहुत है जैसे आप इंडस्ट्रीज करोगे है ना इंडस्ट्रीज करोगे अब आप मैक्सिमम आयरन स्टील कर लोगे है ना मेबी चलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कर ली एक इंडस्ट्रीज ही बन रहे हैं अगर उन्होंने आपको वेफको बनाना हुआ तो कोई भी पूछ लेंगे इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लिख दी 15 नंबर कुछ कैसे करोगे और ज्योग्राफी में ऐसा होता है कि अगर नहीं आता तो जीरो है अब प्लेटफॉर्म्स हैं इतने सारे आपके अब प्लेटफॉर्म सारे आते हो जियोमॉर्फोलॉजी पे कौन सा क्वेश्चन छोड़ के जाओगे प्लेटिटॉनिक्स भी करोगे वल्कनिज्म भी करोगे अर्थक्वेक भी करोगे है ना डायस्ट्रोफिक स्ट्रोफिक फैक्टर्स भी करोगे सारे लैंडफॉर्म्स भी करोगे लॉजिकल नहीं बनता अलग से अंटिल आपने सिविल सर्विस में जॉब की रखा है फिर तो सर अलग से ही हमने जोड़ा उसकी कोचिंग में भी पढ़ी है तो मैं तो ऐसा सोच रहा कि जीएस का हमने पढ़ा हो उसी सब्जेक्ट में तो उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दो नहीं सर आप मजाक मत करो मजाक मत करो ऐसा नहीं होता सिलेक्शन के लिए खेलना अपना जीएस में कितना कर सकते हो ऑप्शन में यार ऑप्शन में इंडस्ट्री आती है एग्रीकल्चर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट करते हो आप जीएस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस करते हो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स करते हो अच्छे जगह ऑप्शनल वाले पॉइंट पे ऑप्शनल में ये कुछ खाते हैं मॉडल्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट आप थिंकर थोड़ी करते हो जरूर वो क्वेश्चन आते हैं उसमें उसके भी थिंकर के असम जोग्राफर अरब जोग्राफर यूरोपियन जोग्राफर्स नहीं अगर आपने जीएस के साथ ही अकेले लेना है तो हिस्ट्री कौन सा पढ़ा हिस्ट्री में तो किया ही हुआ एंशिएंट मिडिल उसमें तो खुद भी लिख सकते हो उसको एटलीस्ट सारे राजा जब पढ़े तो होंगे एक मंत्र तो ठीक है फिर भी कवर हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा बहुत कर रखा है इसमें तो उतना तो हिस्ट्री में तो हाथ पैर फिर भी लग जाएगा बट अगर नहीं करा हुआ मैं सजेस्ट नहीं कर रहा आई एम वेरी क्लियर अबाउट नए बच्चों को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा अगर आपने जीएस में पढ़ा हुआ मेरे लिए अब नए बच्चों मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ बहुत क्लियर हूँ बिकॉज आई हैव सीन इन द लास्ट 20 इयर्स बच्चों को सफर करते देखा है मैं आपको अनगिनत डेमो दे दूंगा जो क्लास में लिखोगे आप वो आंसर लिखोगे कि ऐसे लिख के आना बस तुम्हें हिलना नहीं इससे तो वैसे लिखना है आपके पास पैराग्राफ जहाँ पैराग्राफ रिक्वायर्ड है वहाँ पैराग्राफ लिखेंगे जहाँ पॉइंट रिक्वायर्ड है पॉइंट लिखेंगे जहाँ छोटा सा डायग्राम बनाना है डायग्राम भी बनाएंगे उसी से नंबर आते सोच समझ के आप रखिए जो लिखे सर जैसे शॉर्टी का सिलेबस जो होता है मतलब तो हमने जैसे आपने बताया था क्लास में उसकी मतलब बहुत ही मतलब लिमिटेड से होती है उसमें बहुत उसको पढ़ लो ऐसे कोई सब्जेक्ट जो 15 दिन की सिलेबस तो अपने सोशियोलॉजी का भी जो पुराना सिलेबस है सोशियोलॉजी का जो नए सिलेबस छोटा है इसका अगर आप दिखा भी करके तो फिर देखो ना दोगुना सिलेबस है उससे इट इज डबल द सिलेबस जो अभी नया यूपीएससी का सिलेबस है उससे दोगुना है कोई भी बेटा सिलेक्ट रखोगे आप करना उस टाइम से है कि कोई आपको क्वेश्चन करा दे बस सिलेबस की टेंशन नहीं लगा अगर मेरे पास कोई सिलेबस अब आपने किरा नहीं हुआ मैंने अगर आपके हाथ में सिलेबस देख लिया मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आपके टैक दिल बैठ जाएगा आपका नेचुरली मैं कैसे 20 दिन में कराऊंगा बताओ मुझे यार क्या हिस्ट्री का सिलेबस इनका देखो 20 दिन में करा देंगे सारी हिस्ट्री टेल मी हो जाएगा सब जो हमारा काम है करना हमें पता है कि वो तो प्रेडिक्टेबल है देखो ऐसा था कि जो स्टेट लेवल एग्जाम है उसमें 60-70% नंबर आ जाते हैं 70% नंबर लेने स्टेट लेवल की पुष्टि यूपीएससी में 70% मतलब यू आर किंग
वो डिफरेंट है यूपीएससी, यूपीएससी 50% भी ले लिया आपने तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेट लेवल पे 70% अगर आप सारा पेपर करके आए हो एक पर्टिकुलर तरीके से यू कैन इजली है। वापस वो कन्वर्जेंस भी है कि मैं जिंदा रिजल्ट कन्वर्ज कर पाऊँ, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन इन सोशियोलॉजी? अब आप सोचते सोचते टाइम मत निकालो, जो भी डिसीजन लेना करो एंड स्टार्ट डूइंग इट। हैव फेथ इन योरसेल्फ, देखो लॉजिकली कि हाँ मैं क्या कवर कर सकता हूँ एंड देन गो फॉर, बस आंखें बंद कर, क्योंकि अगर हम चार दिन और सोचते रहेंगे तो उल्लेगा, ठीक है।